नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। साहिबगंज के जरवा बारी ओपी थाना क्षेत्र के मदनसाही में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मौत की सूचना मिलने से जरवाबारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं जरवाबारी थाना प्रभारी ने बताया कि ये लोग तीनों ईंट बनाने का काम करती थी। वहीं कल जब रात को आंधी तूफान आया था तब ये तीनों ईंट को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब सुबह ये लोग घर नहीं पहुंचे तब इस जगह मजदूर जो काम कर रहे थे जब देखे कि तीन लोग मृत अवस्था में हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद पुलिस यहां पहुंचकर जांच कर रही। जांच के बाद ही बताया जाएगा कि आखिर ये तीन लोगों की मौत का कारण क्या है। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी हुआ। हम बड़े मदन साहिब पंचायत से उप मुखिया हुए एवं ग्राम प्रधान हैं। हम लोग को सुबह सेरी 4 बज के लमसम में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ के निकले तो पता चला कि इधर आदमी लोग आया कुछ काम से। वो लोग जानकारी दिया कि ये लोग जो है यहाँ पर मृत हो गया है। तो हम लोग आए वहाँ से देखें, देखने के बाद ये लोग को देखें तो देखें ये तो हम लोग इसको जो है ना ग्रामीण द्वारा इसको थोड़ा सा ठीक किया गया। ये लोग मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ था, मार मार के एक दूसरे को चढ़ा हुआ। और ये लोग को तीनों को लग रहा है कि नरेटी दाब के मारा गया है। और उधर का मांझी कुछ वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग जब आए तो वो बता रहे थे कि हम लोग से भी रंगदारी मांग रहा था, बदमाश आया था और हम लोग को भी मारपीट किया है। और इधर ईटा भी बनाने वाला था, कुछ लोग ईटा बनाने वाला भी बोला है कि हम लोग जब देखें कि बदमाश आया गोली फायरिंग किया, उसके बाद हम लोग भाग गए। ये लोग नहीं भाग पाया, बहुत मजदूर टाइप का लोग है ये लोग। कई सालों से ये लोग ईटा बनाता है और अपना भट्टा लगाता है। यही भट्टा रात में आग लगाया, आग दिया है और बरसात के रात में बरसा हुआ जिसमें कि ये लोग आया था पन्नी चढ़ा देंगे। अब इसके साथ में रात में बदमाश लोग आया और पूरे तीनों का नरेटी दाब के मारा हुआ है। अब कौन बदमाश था ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि रात में तो हम लोग थे नहीं, लेकिन जो भी हुआ साजिश के तहत किया गया है और इसको हत्या किया गया है। पुलिस को सूचना दिए कि नहीं? हाँ, पुलिस को सूचना दिए हैं, बुलाए कि कुछ मिनट में आ रहे हैं। साहिल ईट भट्टा में तीन व्यक्ति जो कि दो पुत्र और एक माता थी, वो ईट बनाने कार्य कर किया करते थे। वो रात में जब आंधी तूफान चल रहा तो उस वक्त अपने घर से अपने जो बनाए हुए ईंटों को ढकने के लिए आई थी। सुबह अगले सुबह तक वो जब अपने घर नहीं पहुंची और तब यहाँ जब मजदूर लोग काम करने आए तो उन्होंने देखा कि वो तीनों मृत अवस्था में थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा थाना को दी गई। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं, आग की कार्रवाई की जा रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।